けさせない。じゃあもう一度差し伸べる。हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं सम्राट गेम वीके और ये हिंदी चैनल। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ टॉप नए एनिमी गेम्स जो हाई ग्राफिक्स, हाई रैम्स और जिनका सेटअप भी काफ़ी हाई है। वो आप कौन कौन से वो बताऊँगा जो मेरे कलेक्शन के हिसाब से बता सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले वो बताना चाहूँगा जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, ऐसी और भी वीडियो आती है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो एक पावर पंच के साथ। तो फ्रेंड्स, नंबर वन में है जो एनिमी है, इसका नाम है ब्लैक क्लोवर। और ये एक एनिमी मैजिक सीरीज है जिसके ऊपर एनिमी बहुत अच्छा है, और इसकी गेम भी है प्लेस्टेशन 4 और पीसी में अवेलेबल। और हाँ, इसका गेम सेटअप हो सकता है थोड़ा बड़ा, और ये आम पीसी में नहीं चलता, मतलब आपके पीसी में होना चाहिए लगभग 8 GB रैम और हाई ग्राफिक्स। और इसके अलावा इसमें ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल एनिमी वाली फीलिंग देंगे आपको। मैजिकल बेस्ड इसमें प्लेयर्स हैं, और हाँ, यहाँ पे स्वॉर्ड और समुराई जैसे भी प्लेयर्स मिलेंगे जो आप खेल सकते हैं। इसके हाई ग्राफिक और मैजिकल साथ इसमें अटैक और डिफेंस काफ़ी अच्छे से दिखाया है, और एनिमी फीलिंग के साथ आप इसे बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। ड्रैगन बॉल कहकर और जैसी गेम है, ड्रैगन बॉल जी खैकर और जैसी खेली थी वैसे ही थोड़ी, बस इसमें एडवेंचर इतना नहीं है, एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है वैसे ही, मैजिक बेस्ड गेम है ये। तब बढ़ते हैं अगले तरफ जो है नंबर 2, माय हीरो वन जस्टिस, प्लेस्टेशन 4 और पीसी में अवेलेबल। और माय हीरो वन जस्टिस 1 और 2 है जो कि दोनों ही बढ़िया हैं, और इसमें हाई ग्राफिक्स है और अटैक्स और फाइटिंग गेम है। तो सुपर हीरो बेस्ड गेम है ये माई हीरो अकेडमिया के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी गेम है। मैं अगर आप कर सकते हैं डाउनलोड तो आप ये ज़रूर खेलें। और इसका सेटअप है मेरे ख्याल से कम 3 GB का, और हाई जंप फोर्स की तरह ही है, और जंप फोर्स भी बहुत अच्छी गेम है, उसका भी सेटअप कम था थोड़ा, कम से कम 4-5 GB का लगभग, और फिर भी 4-5 GB। तो उसमें मिलते हैं आपको बहुत से अमेजिंग करेक्टर्स, बहुत से अमेजिंग विलन्स एंड सुपर हीरोज और पावर्स, और इसमें ऑलमाइटी का अटैक्स भी काफ़ी गजब है। और फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम एक ऐसे ग्राफिक वाले गेम जो 3D है, और यह इसका नाम आप सब जानते होंगे, यह है सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। और इसमें कई गेम सीरीज बनी पर सबके सब अच्छी है, और ये PC में अवेलेबल है। हाँ, आप सब बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन खेलने में तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, अगर ये VR वर्जन होता तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको बता दो ये VR वर्जन में भी अवेलेबल होता है वैसे तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसमें ना खेलना चाहें, पर PC में खेल सकते हैं उन लोगों के लिए जो खेलना चाहते हैं। सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इसका एनिमी सीरीज भी काफ़ी अच्छा था। फिर अगली है कि ये गेम है, और उसके बाद है आपकी आती है ये डेमन स्लेयर, जो इसी साल लगभग रिलीज़ हो चुकी है, और इसके गेम्स काफ़ी हाई ग्राफिक्स है। सॉरी, मैं गेम प्ले किसी का नहीं दिखा सकता। सॉर्ड आर्ट और ये डेमन स्लेयर गेम है, बहुत अच्छी है, सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से तो अच्छी है। और फिर आता है वन पंच मैन हाई ग्राफिक्स, ये लास्ट है। वन पंच मैन के ऊपर भी गेम बनी, सोचा था वन पंच मैन के ऊपर गेम बनेगी, मैंने तो नहीं सोचा था। प्लेस्टेशन 4 और PC में अवेलेबल, हाई ग्राफिक्स, हाई वीडियो और सब की देखा, पर इसमें भी एनिमी जैसी बिल्कुल
3D ग्राफिक्स है, हाई ग्राफिक्स, अटैक्स और मूव्स। पर हाँ एक चीज़ और है जो उसमें एनिमी वाली चीज़ है जो थोड़ी सी उसमें बोर कर रही है, वन पंच से ही खेल खत्म। वाई तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। पर जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा मैं, जब मेरे चैनल पहली बार आए आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में ढूंढ सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा ये गेम में हाई ग्राफिक इसलिए, पर मैंने गेम में इनमें से कोई भी डाउनलोड नहीं करा, पर हाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वीडियो के लिंक मैंने वीडियो के आइकन में स्लैश हो रही होगी तो आप ज़रूर देखें, उसमें से आप कर सकते हैं जंप फोर्स डाउनलोड माई हीरो वन जस्टिस। हाँ मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो आप ज़रूर जाके देखें, और ऐसी और भी वीडियो होंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आपको चीज़ बताना मैं भूलने वाला था, पर बता देता हूँ आपको कि जंप फोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी बेल आइकन के स्लैश में, पर वो वेबसाइट भरोसेमंद वेबसाइट है, लेकिन उसी वेबसाइट डाउनलोड करके मैंने दोस्त के साथ खेला था जंप फोर्स, और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें पर अमेजिंग बात ये है कि आप में से बहुत से लोग क्रिएट करते हैं उसमें ऐसे सुपर हीरो जो उसमें है ही नहीं, जैसे कि किसी ने वन पंच मैन को भी क्रिएट किया था उसमें, और ऑल माइट को क्रिएट किया था बिना अपने उसके सुपर फॉर्म के, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर चैलेंजर्स के तौर पर आपने क्रिएट किए थे ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप वो ये का कोई गेम डाउनलोड नहीं करते। उसके बाद जंप फोर्स, तो जंप फोर्स में आप बहुत से सुपर हीरो या विलन्स क्रिएट कर सकते हैं जो किसी और एनिमी में थे, फिर कैसे भी। तो फ्रेंड्स ये जान फ्रेंड्स जाने से पहले आपको चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया, फिर से बता देता हूँ। वैसे शायद मैंने कि मैंने ऐसी गेम डाउनलोड करने ही करी, पर एक दोस्त को डाउनलोड करके दिया था और उसके साथ थोड़ा सा खेला था जंप फोर्स, तो वैसी वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो वो भी आइकन में स्लैश हो रही होगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। तो प्लीज़ और ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो ला सकूँ। तो बस इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।